Give me 1 minute, please. अभी जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एक ही एंट्री है, जर्नल एंट्री में एक ही एंट्री, लेकिन वो भी सिंपल है। जर्नल एंट्री कैसे पास करने का, ऑल एसेट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी ये जर्नल ऑफ न्यू फर्म लिखना थोड़ा लंबा है तो दिखने में तकलीफ है, ये जर्नल ऑफ न्यू फर्म लिखा है। अभी क्या करने का, ऑल एसेट्स ढूंढते नहीं बैठने का। आपने दिख रहे यहाँ पे न्यू फर्म के सभी एसेट्स के टोटल लिख के रखे, तो ये सबको लाइन से डेबिट करने का, सब सब, और लायबिलिटी को क्रेडिट करने का, और साथ में चारों का जो कैपिटल मिला है ना वो। तो देखो पहला एसेट कौन सा, फर्नीचर, एक ही एंट्री आएगा तो इधर जर्नल एंट्री में लिखने का एंट्री नंबर 1, पहला एसेट कौन सा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है सर, टोटल 13,600। ऑल एसेट ये न्यू फर्म का, जर्नल ऑफ न्यू फर्म चल रहा है तो न्यू फर्म का, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 70,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट अमाउंट 46,380, डेटर अकाउंट डेबिट 46,550। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट 10,220, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,200, और फिर चारों का नाम लिखने का, टू स्लो, टू फास्ट, टू स्टडी, टू फास्ट एंड टू हैस्टी, नाम क्या आगे वर्ड, कैपिटल 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 कैपिटल। अभी इनका न्यू फॉर्म में कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है, वो लिख दे रहे। तो एंट्री क्या लिखा था, ऑल एसेट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। तो 66, ये देखो आपके सामने 66,275, 37,275, इसका 28,300, इसका 17,100, ठीक है। नैरेशन लिखने का, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय क्या, न्यू फर्म, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट शॉर्टकट में बता रहा हूं तुमको, जस्ट वेट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। आज स्टाफ नहीं है सुबह सुबह, तो थोड़ा गड़बड़ है मेरे अकेले के लिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो बैलेंस शीट शॉर्टकट में बता रहा हूं, आराम से देखो, ये आपका बैलेंस शीट है समझो, ठीक है। ये बैलेंस शीट बनाया है, ये आपका लायबिलिटी साइड है रुपीस, ये आपका एसेट साइड है रुपीस। अभी जितने भी एसेट्स है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां पे लिखते जाओ एसेट में, एसेट एसेट में जाएगा। फर्नीचर 13,100, बिल्डिंग 70,000, दिख रहा है ना सबको, वेरी गुड। स्टॉक 46,380, डेटर 46,550 हो, कैश 10,220, और गुडविल 25,200,
गुडविल कितना है 25,200, ये एसेट्स लिखे और ये पूरा का पूरा लायबिलिटी में लिखो, लेकिन पहला कैपिटल आएगा फा स्लो का कैपिटल कितना 66,275, फिर स्टडी का 37,275, फिर फास्ट का 28,300, फिर हैस्टी का 17,100 रुपया, और लास्ट में नीचे वर्ड क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर कितना 66,63,000, फिर दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, चलो चेक करते हैं, 13,100, 17,000, 46,380, 46,550, 10,220 और 25,200, the total is 2,11,950, इसका करते 66,66,275, 37,275, 28,300, 17,100, 63,000, देखो उधर एक टोटल लिखा ऑलरेडी, और ये देखो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं 2,11,950, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, डोंट वरी। देखो ये दोनों में कुछ दमी नहीं, ये एसेट्स के लिए एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था न्यू फर्म का, इसका यूज ही मुझे देखो यहाँ पे हो गया, ढूंढते नहीं रहना पड़ता है, ये रेडी रहता है, सभी एसेट्स एसेट्स में दिखाए, लायबिलिटी को लायबिलिटी में दिखाए, फिर चारों का नाम लिखा, चारों का न्यू कैपिटल लिया। याद रखना पीसीएम को बताता है कि न्यू फॉर्म में इनका कैपिटल कितना होगा, स्लो एंड स्टडी का कितना रहेगा, फास्ट और हैस्टी का कितना रहेगा, और ये बुक्स हमको बताता है कि उस कैपिटल में से स्लो का कितना, स्टडी का कितना, उस कैपिटल में से फास्ट का कितना, हैस्टी का कितना। अभी आप नोटिस करना जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना सब में सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले आप पीसी ढूंढेंगे, पीसी ढूंढने का रूल याद रखना ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो ओल्ड वैल्यू लेने का बैलेंस शीट में, कैपिटल रिजर्व और वो एसेट जो न्यू फर्म को चाहिए नहीं लेने का, ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बोला था नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद तीन अकाउंट बनाने का, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फर्म, और तीन स्टेप्स फॉलो करने का, पहला स्टेप पोस्टिंग, पोस्टिंग का रूल एसेट इधर लायबिलिटी इधर कैपिटल इधर, रिजर्व नहीं था नहीं लिखा होता तो इधर लिखता था, दोनों में डिवाइड कर, फिर जो चीज न्यू फर्म को नहीं चाहिए पार्टनर को देनी, यहाँ पे ऐसी कोई चीज थी नहीं, सब कुछ न्यू फर्म ने ले लिया, फिर डायरेक्टली जो पीसी ढूंढा उसका दो इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट दूसरा इफेक्ट, अकाउंट क्लोज सेम वापस किया, एसेट लायबिलिटी कैपिटल लिखा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था ना न्यू फर्म को, पार्टनर को दिया, पार्टनर के डेबिट में एक इफेक्ट आया, न्यू फर्म के क्रेडिट में आया, फिर जो पीसी ढूंढा था उसका दो इफेक्ट, ये पहला ये देखा, और अकाउंट लाइन से क्या कर दिया क्लोज, वो होने के बाद एक जर्नल एंट्री पास किया, एसेट्स डेबिट किया, लायबिलिटी क्रेडिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया, नरेशन क्या लिखा सर, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, और फिर ये एसेट एसेट में गए, ये पूरा साइड लायबिलिटी में गया, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, इज इट ओके, एकदम कंफर्टेबली, तो आज के लिए पैकअप करते हैं, सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका फोटो भी भेज दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन को दो बार देख लेना, अमालगेमेशन कंप्लीट मतलब पूरा पेपर ही कंप्लीट हो गया आपको पक्का।